एक मिनिमम बेसिक कॉस्टिंग होती है हर क्लिनिक की, आप चाहे किसी भी क्लिनिक में पूछ लो, वो एक मिनिमम कॉस्टिंग आपको पे करना पड़ेगा, चाहे आप कितने भी ग्राफ लगाओ उस कॉस्टिंग में। Hey guys, welcome back to this channel. कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की इस वीडियो में आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्टिंग बताने वाले हैं कि अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करवाने वाले और आपको इतने ग्राफ की रिक्वायरमेंट है तो आपकी कॉस्टिंग कितनी आने वाली है। आप लोगों में से काफी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ट्रांसप्लांटेशन तो हम करवाने वाले हैं लेकिन हमारी ट्रांसप्लांटेशन में कॉस्टिंग कितनी आने वाली है, क्योंकि काफी लोग क्या होते हैं बहुत अलग अलग जगह डिस्कस करते हैं ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट को लेकर और उनको हर जगह से ऑलमोस्ट अलग अलग कॉस्टिंग बताई जाती है। तो आज की वीडियो में हम तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि कॉस्टिंग डिसाइड करेंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि शायद आपको आज तक नहीं पता थी। लेकिन सबसे पहले अगर आप ये ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपको ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, कि आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी ट्रांसप्लांटेशन रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhub.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुली करवा पाओगे जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, अब आप जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो बेसिकली आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट की तीन केसेस में। पहला केस होगा 1000 ग्राफ्ट्स की, अगर आपको 1000 ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो आपको कितना खर्चा आने वाला है। दूसरा केस होगा 2000 ग्राफ्ट की, अगर आपको 2000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपका कितना खर्चा आने वाला है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट होगा वो होगा 3000 ग्राफ्ट की, अगर आपको 3000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है तो आपका कितना खर्चा होने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं केस नंबर 1 की कि अगर आपके रिक्वायरमेंट 1000 ग्राफ्ट्स की है तो आपका कितना खर्चा आने वाला है। एक्चुअली होता क्या है कि जो यंगर पेशेंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल 20 से 25 साल के बीच और उनका जो यू नो हेयर लाइन होता है वो थोड़ा बहुत रिसीड हुआ होता है, मतलब जो रिसीडिंग होती है हेयर लाइन वो थोड़ी बहुत हुई थी, ज्यादा कोई फ्रंटल हेयर लॉस हुआ नहीं होता, लेकिन उनको ट्रांसप्लांटेशन करवाना होता है अपनी हेयर लाइन को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि अगर आपका हेयर फॉल स्टेबल है तो डेफिनेटली आप ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो। सो बेसिकली उन केसेस में होता क्या है, पेशेंट्स कंफ्यूज होने लगते हैं कि हमें सिर्फ 1000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, आपका ट्रांसप्लांटेशन का खर्चा कितना आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है इस बारे में कि इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट 10 रुपए पर ग्राफ्ट से लेकर स्टार्ट होती है और लगभग 100 या 200 रुपए पर ग्राफ्ट तक जाती है। तो ये जो यू नो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिक्स में यू नो अलग अलग रेट्स हैं। 10 रुपए पर ग्राफ्ट से लेकर 100 रुपीज पर ग्राफ्ट आपको वेरिएशंस मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर आपकी कॉस्टिंग 100 रुपीज पर ग्राफ्ट है तो आपका 1000 ग्राफ्ट का कितना खर्चा आएगा। सो अगर हम बात करें 100 रुपीज पर ग्राफ्ट की और आपकी ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट 1000 ग्राफ्ट की है, ऑब्वियसली अगर आप 1000 को यू नो 100 रुपीज पर ग्राफ्ट से मल्टीप्लाई करते हो तो ऑलमोस्ट 1 लाख आपका यू नो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट आएगी। एंड इसमें कुछ एक्सपेंसेस मेडिसिन के ऐड हो जाएंगे, कुछ यू नो खर्चा मेडिसिन का और ऐड हो जाएगा। वैसे कुछ क्लिनिक्स ऐसे होते हैं जो यू नो मेडिसिन की कॉस्ट को यू नो हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट में ही इंक्लूड करते हैं, मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं मेडिसिन का, वो जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन कॉस्ट होती है उसी में इंक्लूड करते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्लिनिक्स में क्या होता है, मेडिसिन के लिए आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, वो कोई ज्यादा अमाउंट नहीं होता, 1000 से 1500 रुपए आप एक्स्ट्रा मान लीजिए। और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी है, आपको नीचे कमेंट में बताना है कि क्या क्लिनिक्स को जो मेडिसिन की कॉस्ट होती है उसको हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्ट में इंक्लूड करके देना चाहिए या फिर उसका अलग से चार्ज करना चाहिए, आपको नीचे कमेंट्स में अभी की अभी बताना है। मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ, आप अभी के अभी वीडियो को देखते देखते नीचे कमेंट में लिख दीजिए। तो ये तो बात कर ली हमने मेडिसिन के खर्चे की, जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आप मान सकते हो ट्रांसप्लांटेशन के साथ। एक और खर्चा जो ऐड हो जाता है वो होता है पीआरपी ट्रीटमेंट का। वैसे मोस्ट ऑफ द क्लिनिक्स में क्या होता है पीआरपी ट्रीटमेंट इंक्लूडेड होता है आपके पर ग्राफ कॉस्टिंग में, लेकिन कुछ क्लिनिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पे पीआरपी इंक्लूडेड नहीं होता, उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब एक्स्ट्रा की बात करें तो लगभग आप 3 से 5 हजार रुपए एक्स्ट्रा मान लीजिए जो आपको पीआरपी के लिए देना पड़ेगा, 1 से 2 सेशन लेने पड़ते हैं, दैट्स एनफ। सो ये तो हमने बात कर ली हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कॉस्टिंग की, अगर आपको 1000 ग्राफ्ट लगने हैं और पर ग्राफ्ट की कॉस्टिंग अगर 100 रुपीज पर ग्राफ्ट है। ऑब्वियसली आपकी कॉस्टिंग अगर 10 रुपए पर ग्राफ्ट है क्लिनिक की और आपको सिर्फ 1000 ग्राफ्ट लगने हैं तो 10000 रुपए में पूरा ट्रांसप्लांटेशन हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होगा। आप किसी भी क्लिनिक से जाते हो जहां पे 10 रुपए पर ग्राफ्ट कॉस्टिंग है या 8 रुपए पर ग्राफ्ट भी कॉस्टिंग है और आपको सिर्फ 1000 ग्राफ्ट लगने हैं, वो आपका क्लिनिक 10 या 8 हजार रुपए चार्ज नहीं करेगा। इसी कंफ्यूजन की वजह से काफी लोग कंफ्यूज होने लगते हैं और क्लिनिक के साथ बहस भी करने लगते हैं कि अगर आपकी कॉस्टिंग 8 रुपए या 10 रुपए पर ग्राफ्ट है तो आपको 1000 ग्राफ्ट का सिर्फ 10 से 12 हजार रुपए चार्ज करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्लिनिक की फिक्स्ड प्राइसिंग होती है। देखिए बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हो हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी एक ऑपरेशन थिएटर में परफॉर्म होती है जिसमें पूरी की पूरी टीम रिक्वायर्ड होती है। एंड उस ऑपरेशन थिएटर में जहां पे सर्जरी परफॉर्म होनी हो, जहां पे आपका ट्रांसप्लांटेशन परफॉर्म होने हो, उसका एक बेसिक मेंटेनेंस कॉस्ट होता है। अब चाहे सर्जरी छोटी हो या बड़ी, उसका एक बेसिक मेंटेनेंस कॉस्ट तो लगेगा ही, उसमें पूरी की
पूरी टीम रिक्वायर्ड होगी। तो ऑपरेशन थिएटर तो पूरा ही बुक होता है, चाहे आप 1000 ग्राफ्ट लगाओ चाहे आप 5000 ग्राफ्ट लगाओ, ओटी पूरा का पूरा बुक होता है, जिसकी एक बेसिक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है जो कि क्लिनिक को चार्ज करना पड़ता है। सो इन शॉर्ट हेयर ट्रांसप्लांटेशन में एक बेसिक ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है ऑपरेशन थिएटर की, ओटी जिसको आप बोल सकते हो, जो कि अप्रोक्सीमेटली 15,000 आप कह सकते हो। अब चाहे वो 4,000 ग्राफ्ट हो या 1,000 ग्राफ्ट हो, आपको ऑपरेशन थिएटर के मेंटेनेंस कॉस्ट तो पूरी पे करनी ही पड़ती है। इसीलिए अगर आप 10 रुपीज पर ग्राफ्ट वाले क्लिनिक में भी ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो तो आपको मिनिमम 25,000 रुपीज तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप 100 ग्राफ्ट भी लगवाओ चाहे आप 2,500 ग्राफ्ट भी लगवाओ, क्योंकि उसमें आपको मेंटेनेंस की जो कॉस्ट होगी ऑपरेशन थिएटर की वो पे करनी ही पड़ेगी। और अगर हम बात करें सेकंड केस के बारे में, जिसमें अगर आपको 2,000 ग्राफ्ट लगने तो आपकी कॉस्टिंग कितनी आने वाली है, अगर हम वो डिस्कस करें, सो ऑब्वियसली आपको एक केस से मैं डिस्कस करवाता हूँ। पेशेंट की आप कंडीशन देखिए, इनका फ्रंटल हेयर लॉस हो चुका है और इनकी रिक्वायरमेंट अराउंड 1800 टू 2000 ग्राफ्ट थी। अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं 100 रुपीस पर ग्राफ्ट वाले क्लिनिक की, जहां पे क्लिनिक का चार्जेस ऑलमोस्ट 100 रुपीस पर ग्राफ्ट है, तो ऑब्वियसली इसकी जो कॉस्टिंग होगी अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीस होगी, जिसमें थोड़ा बहुत मेडिसिन और पीआरपी का आप ऐड कर सकते हो, जो कि बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। आप ऑब्वियसली अगर आप 2000 ग्राफ्ट लगवा रहे हो, आपकी कॉस्टिंग लगभग 100 रुपीस पर ग्राफ्ट है, तो ऑब्वियसली अराउंड 2 लाख पड़ेगी, प्लस सब मेडिसिन एक्सपेंसेस एंड पीआरपी एक्सपेंसेस। लेकिन अगर हम बात करें 10 रुपीस पर ग्राफ्ट की, तो ऑब्वियसली अगर आप 2000 ग्राफ्ट भी लगवा रहे हो तो आपको कम से कम 25,000 रुपीस पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें वही वाला कंसेप्ट यूज हो जाता है जो मैंने आपको बताया था कि आपको मिनिमम कॉस्ट देनी पड़ती है ऑपरेशन थिएटर की, जो कि ऐड होके ऑलमोस्ट आपका 25,000 रुपीस पड़ सकता है। तो अगर आपको 1000 ग्राफ्ट भी लगवाने हैं ट्रांसप्लांटेशन में और आपको लग रहा है कि मेरे सिर्फ 1000 ग्राफ्ट लगेंगे और मैं 10 रुपीस पर ग्राफ्ट वाले क्लिनिक में करवा लूंगा तो मेरा 10,000 में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक मिनिमम बेसिक कॉस्टिंग होती है हर क्लिनिक की, आप चाहे किसी भी क्लिनिक में पूछ लो, वो एक मिनिमम कॉस्टिंग आपको पे करना पड़ेगा चाहे आप कितने भी ग्राफ्ट लगाओ उस कॉस्टिंग में। सो अपने पेशेंट की कंडीशन देखिए, इनको 2000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी, बहुत अच्छी तरीके से इनकी सर्जरी हुई और आप रिजल्ट देखिए बहुत ही वंडरफुल इनका आया। अराउंड 10-12 रुपीस पर ग्राफ्ट में इनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। देखिए बहुत ही वंडरफुल इनका रिजल्ट आया, आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन हेयर लाइन आई है और आप देख सकते हैं सिर्फ 25-30,000 में इनका ट्रांसप्लांटेशन हो गया था। अगर हम बात करें केस नंबर 3 की, जो कि है 3000 ग्राफ्ट वाला केस, तो यहां पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाते हैं। अब सपोज आप करवाते हो 100 रुपीस पर ग्राफ्ट वाले क्लिनिक में, 3000 ग्राफ्ट सब लगवा लेते हो, तो ऑब्वियसली अराउंड 3 लाख टू 3 लाख 50,000 आपका ट्रांसप्लांटेशन का कॉस्ट चला जाएगा, जिसमें यू नो मेडिसिन एक्सपेंडिचर और जो आपका पीआरपी एक्सपेंडिचर है वो ऐड हो जाता है, जो कि बहुत सिंपल है। लेकिन अगर हम बात करें उस क्लिनिक की जहां पर 10 रुपीस पर ग्राफ्ट में ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, तो यहां पे जो होगा वो कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। आपके 3000 ग्राफ्ट लग रहे हैं, तो यहां पे एक्चुअली होता है कि आपके 3000 ग्राफ्ट से अगर लगने हो तो आपकी कॉस्टिंग 30,000 ही आती है, यहां पे आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। सो इसमें जो ओटी की जो बेसिक मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, जो यू नो अप्रोक्सीमेटली जो 15,000 होती है, तो वो जो क्लिनिक वाले होते हैं वो आपके 30,000 में कवर कर लेते हैं और उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।